और दूसरा पॉइंट और बताऊं मैं? हाँ बताओ। एक तो मुस्लिम लड़कियां गाली देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, हमारे मजहब की जो लड़कियां हैं हाँ। वो गाली देते हैं और मैं इज्जत से बोलते हैं जी जी आप आप। हाँ हिंदू लड़के ना। हाँ हिंदू लड़के उन्हीं का मकसद देते हैं, उनका यही मकसद है शादी करे, इन्हें गैर मुस्लिम बनाए, हमें 50,000 रुपए महीने बीजेपी सरकार दे रही है। उनके मुआशरे में भी गाली गलौच नहीं होती। मैं देखी हूँ हमारे बगल में, मतलब कि हमारे जो घर है ना मोहल्ला, उसके दूसरे मोहल्ले में पूरा हिंदू है और हमारे बगल के मोहल्ले में पूरा मुस्लिम। सुन तो लो, तो अपनी बहन को चाचा की लड़कियों को भी नहीं छोड़ दे। कौन? हिंदू लोग, अगर तुम्हें पता हो। नहीं, मेरा एक दोस्त है वो भी हिंदू ही है, तो वो बताता है कि हमारे में ना मतलब ताऊ चाचा की क्या, वो जो एक गोत्र होते हैं ना, सेम गोत्र जो नाम के पीछे लगाते हैं ना सरनेम, सेम सरनेम वाला हो गया ना, तो उसमें भी शादी नहीं करते लोग, ऐसा बोल रहे थे। बल्कि मैं तो कहूँ ना कि चाचा ताऊ वाली जो बात है ना, वो तो हमारे रिलीजन में है कि अल्लाह सुबहान व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि आप किससे शादी कर सकते हो, अपनी फूफी की लड़की से, अपनी चाची की लड़की से, अपनी बुआ की लड़की से, अपने खाला की लड़की से, भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना उससे। तो इस्लाम मतलब आप जो बोल रहे हो ना कि लोग उनसे शादी कर लेते, तो वो तो हमारे मौके में है, अल्लाह ने हमें ज़्यादा दे रखी है कि हम अपने भाई बहनों से शादी कर सकते हैं। इवन आपको एक चीज़ बताऊँ, अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान पाक में ये कहा है कि अगर कोई बंदा, ये शरीयत में भी है, आप पूछ लेना किसी मौलवी से, कि अगर कोई बंदा का कोई माँ है, यानी कि अगर उस किसी का बाप ने उसकी माँ मर, उसकी जो पत्नी है, वाइफ है ना, वो मर गई, तो वो दूसरी पत्नी ले आता है, वाइफ ले आता है, और उसका बच्चा जो है वो अपनी उस माँ का जो नई माँ है उसका दूध नहीं पीता, तो अगर उसके बाप का इंतकाल हो जाता है तो वो लड़का जो, वो लड़का जिसको उस औरत ने पाला है वो उससे शादी कर सकता है, यानी अपनी मुँह बोली माँ से वो शादी कर सकता है। ये हमारा मुआशरा है, तो ऐसा है हमारा मुआशरा। आप क्या बोल रहे थे ना? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो मतलब सगे बहन भाइयों ने शादी की थी। अरे ऐसा है ना कि ऐसे लोग तो बहुत हैं, ऐसे मेरी बात सुनो, ऐसे लोग तो बहुत हैं जो अपने दीन मजहब को नहीं मानते, लेकिन हमारे में तो अल्लाह पाक ने ही फरमा रखा है कि आपको कर सकते हो, उनके मजहब में मनाई है कि आप लोग ये नहीं करना है, लेकिन वो लोग करते हैं, तो वो लोग अपने मजहब से मुर्तद हो गए, अपने मजहब से निकल गए, यानी कि वो हिंदू नहीं रह गए। लेकिन हमारे मजहब में तो लिखा ही हुआ है कि आप अपने बहन से, खाला के लड़के से, इससे उसे, आप तो जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो वो तो इक्का दुक्का है ही है, लेकिन हमारे मजहब में तो ऑर्डर दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हो। इसलिए भी ना जो बहुत सारी मुस्लिम लड़कियाँ हैं वो ये सोच के कि भाई जिसको हम लोग आज भैया कह रहे हैं, बाद में उससे शादी हो जाएगी, फिर हम उनकी बीवी बन के रहना पड़ेगा, ये सोच के भी मुस्लिम लड़कियाँ जो है ना वो हट जाती हैं। ऐसा मेरा नज़रिया है। अब मैंने इसी काम के लिए लगभग साल भर होता आ रहा, मुझे मैं इस काम में लग रहा, मैंने बहुत प्लानिंग की हुई। अच्छा बस सोच रहा कि इसमें लड़कियों का साथ थोड़ा ज्यादा चाहिए, लेकिन लड़कियां मिली भी थी हमारे पास की जो थी। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुस्लिम लड़कियां आपका साथ नहीं देंगी जब तक कि आप अपने मुआशरे में ये जो शराब पीना है, अब पता ना इस्लाम में मना लेके शराब पीते हैं, गाली गलौज करना फुल मुसलमानों में फुल चलता है। मैं सभी घर की बात नहीं कर रही, लेकिन अधिकतर जो मुस्लिम फैमिली है, आपको भी पता होगा, वो गाली गलौज करते हैं, जबकि जो दूसरे मजहब के लड़के लड़कियाँ हैं वो इस सब तरीका है। सुनो, देखो एक तो मैं ये नहीं कहता कि मैं शरीफ, देखो हर कोई लड़का कोई भी मजहब हुआ हो लड़की को गलत नजर से देखता है, चाहे उसमें मैं भी हूँ। अच्छा आप गलत, आप लड़कियों को गलत नजर से देखते हो? अस्तगफिरुल्लाह। अरे नहीं, मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा। अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। मैं ये कह रहा कि मैं साफ सुथरा में देखता नहीं। नहीं नहीं, साफ सुथरा होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो मैं एक लड़का, मैं लड़के की फीलिंग जानता, क्योंकि मैं चार लड़कों में बैठता, कौन लड़का कैसा क्या मुझे पता, कितना सही है कौन कितना तेज है। तुम लड़की के दिल की फीलिंग जान सकते, लड़कों की फीलिंग नहीं।
देखो लड़का आजकल मैंने बहुत से अपने दोस्तों से देखा है, मैंने अपने दोस्तों 24 घंटे ना लड़की के जिस्म की बात करते हैं। देखो ये तो मुसलमानों में होता है, उन लोगों के पास खाली ये जिस्म जितनी। देखो मैं ना नहीं, मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रही कि हिंदुओं में लड़के ऐसे नहीं करते, सिखों में ऐसे नहीं करते, ईसाई यहूदियों में ऐसा नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाई रेट है वो किनका? मुसलमानों का। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह देखो, मैं समझाती हूँ उसको, थोड़ा ध्यान सुनो। इसकी वजह क्या है कि एक जो मुस्लिम लड़का है उसको शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो 4 शादी कर सकता है, उसको अपनी हवश के लिए 4 लड़कियां शरीयत ने अता कर दी कि तुम 4 लड़कियों के साथ कर सकते हो। अब गैर मजहब का क्या मामला है? उनमें है कि तुमको बनना है राम सीता, कि सीता एक और राम एक, तुम लोगों को एक लड़की है और उसके साथ जीवन बिताना है। तो वो लोग ऐसे सोचते नहीं कि हमें 4 लोगों के साथ, तो वो लोग उसकी बातें भी नहीं करते, उनको सोचना कि जो भी है यही है, आखिर में भी यही, शुरुआत में भी यही। तो वो लोग एक अपने आप को सिक्योर करते हैं। तुम्हारे कितने चाचा है? क्या तुम्हारे अब्बू और कितने भाई हैं? हमारे अब्बू के कोई भाई नहीं है, हमारे अब्बू के एक ही, मतलब हमारे अब्बू एक ही हैं और हमारी अम्मी के ना 3 बहनें हैं हमारी अम्मी। अच्छा, तो एग्जांपल तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार हैं उसमें कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, काउंट करो एक बार। ये तो काउंट करने में वक्त लगेगा, करो तो एक बात करो पहले, फिर एग्जांपल दूंगा मैं। नहीं आप एग्जांपल दे दो, बहुत लग जाएगा, हमारा फैमिली लंबा है थोड़ा। हमारे मजहब में ना हर परिवार में सबसे ज्यादा लड़की होगी, लड़के बहुत कम होंगे हमारे मजहब के, लड़कियां सबसे ज्यादा होगी। अब मान लो अगर एक लड़का एक शादी करता है तो 5 लड़कियां। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। अभी प्योर रिसर्च हुई थी, आपको पता है कि लड़की लड़का कितना है? सुनो, मैंने ना एक तो घर में एक 10-15 लड़की देखी। ये लो, अब मैं तुम आप भाई एक दो कोई परिवार को लेके बैठ जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा। हमारे पड़ोस में ही मैं बताऊँ, 3 मुस्लिम फैमिली है और तीनों के 3 मुस्लिम फैमिली में लड़कियां तो एक में तो है ही नहीं, दूसरे में 2 हैं, एक में 3 हैं, बाकी जो 6 लड़के हैं, किसी के 5 लड़के हैं, किसी के 7 लड़के हैं, ऐसे लड़के हैं। और देखो बाकी क्या होता है, मैं बताती हूँ, मुस्लिम परिवार में लगभग 65% लड़कियाँ होगी। मैं आपको बता दूँ मुस्लिम परिवार क्या होता है, अधिकतर लड़कियाँ को क्यों ये लोग रखना चाहते हैं? देखो जो शेख होते हैं ना सऊदी अरबिया के, अरब अमीरात के, वो लोग आते हैं और वो लोग आ करके फिर लड़कियों को मुता निकाह होता है, मिशार निकाह होता है, 5 साल की 7 साल की 8 साल की बच्चियों से निकाह करके वो वहाँ ले जाते हैं, उनके साथ फिर जो भी करना है करते हैं, तो आप समझ रहे हो, उसके बाद उन बेचारियों को बेच देते हैं दूसरों को। तो ये मुआशरा, अब ये मुआशरा केरल में बहुत है, उस दिन न्यूज़ भी आई थी केरल में, केरल के बारे में। हाँ, मैं अलीगढ़ से हूँ, अशोक नगर अलीगढ़ जानते हो, 4 मीनार का बच्चा बच्चा। हाँ, ये चाहता है मेरा पापा मुसलमान नहीं है, मतलब कि कोई मतलब शादीशुदा औरत ये सोचती है गैर मुस्लिम कि मेरा हस्बैंड मुसलमान है, लड़की ले। अच्छा, शादीशुदा जो हिंदू लड़की है वो सोचता है कि उसका जो पति है वो मुस्लिम लड़की ले आए? हाँ, क्यों? बस उसकी वाइफ यही सोचती। नहीं, मैंने देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से आजमाया मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़के को। अच्छा, मतलब कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हिंदू जो औरतें होती हैं वो तो चाहती हैं कि उनकी सौत जो है वो मुस्लिम बने। हाँ, अरे रे, तो बहुत ही सीरियस बात है, मुझे तो इस चीज़ पे थोड़ा और गहनता से सोचना पड़ेगा, मैं ऐसे कैसे नहीं सोच रहा। लेकिन मेरी बात तो सुन लो, तो मैं ये बोल रही थी, आप लड़के बोले ना मुस्लिम लड़कियाँ इतनी ज़्यादा क्यों हैं, तो जानबूझ के वो लोग इतनी ज़्यादा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं उससे, आप जानते हो ना जब शादी होती तो मेहर दिया जाता है, तो उसकी लालच में ये लोग ऐसा करते हैं। आजकल तो मेहर जो है वो पहले से डिसाइड की जाती है कि तो दोगे तो ही होगी शादी, समझ रहे हो ना, तो इन सब से बचने के लिए। और देखो हमारे शरीयत में ना, देखो सुनो, अब मेरी बात सुनो, हाँ, अगर हमें ये चीज़ रोकनी ना, हाँ, तो हमें लगभग 3-4 चीज़ रोकनी होगी।
नंबर एक दहेज, दहेज को रोकना पड़ेगा, सही बात है, ठीक है। हाँ। नंबर दो, नंबर दो, जितने भी मुस्लिम लड़के हैं इनकी अकल ठिकाने लानी है। लेकिन कैसे निकालेंगे, वो तो लड़कों के पीछे भाग रही हैं बहुत ज्यादा। अब मैंने कल ही देखा एक लड़की जो है एक लड़के से बात कर रही, अब मैं वहाँ पर बैठ गई, अब चाय पीने के लिए लोग बैठे चाय पीने के लिए, अब मैं किसी और काम से गई थी, अब मैं बैठ गई तो वो आके मेरे पीछे आके बैठे, मतलब कुर्सी इधर उधर लगी थी, लंबी टेबल थी, पार्क टाइप का लगा था, तो मैं सोची कि थोड़ा आराम कर लूँ तो बैठ गई। अब मैं, वो दोनों बैठे थे, मुझे पता नहीं था कि लड़का हिंदू है, क्योंकि दोनों लड़की ने बुर्का पहन रखा था और लड़की जो लड़का जो था ना वो ऐसे ही था, तो मुझे लगा ही मुस्लिम होगा। अब बात करने लगी लड़की कि बाबू मुझे ना मतलब हिंदू लड़के, मतलब वो जो मुस्लिम लड़के ना पसंद नहीं। तो बोले क्यों, तो बोले देखो हमारे शरीयत में ना हलाला होता है, अगर हमारे शादी हो गई किसी मुस्लिम से और उसने मुझे तलाक दे दिया तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, ऐसा बोलने लगी लड़की। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, एक तो हमें दहेज रोकना होगा। हाँ ठीक है, एक पहले मुस्लिम लड़कों की अगर ठिकाने लाने होगी, इन्हें सुधारना होगा। हाँ अरे पूरा तो सुन लो, कैसे होगा रुको ना, उसके बाद बताना पहले मुझे मेरी बात, उनको बताना था ना, मुझे बताना था कि वो लोग क्या बोले। फिर लड़का क्या बोलने लगा, नहीं बाबू ऐसा नहीं होगा, मैं ना तुम्हें किसी से नहीं करने, मतलब हलाला नहीं करवाने दूंगा, मैं तुम्हारे ना अम्मी अब्बू के सामने घुटने टेक दूंगा, नाक रगड़ लूंगा, लेकिन तुमसे तुम्हें मांग लूंगा, ऐसा बोलने लगा। अब मेरा गुस्सा आ रहा, हेलो हेलो। फिर जो मुस्लिम लड़की थी ना वो ये बोलने लग गई कि देखो हमारे शरीयत में ना लड़कियों को बुर्का पहना के रखा जाता है, देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। अब तो लड़का बोलने लगा, नहीं बाबू तुम चिंता मत करो, जैसे तुम मेरे शादी होगी ना तो मैं तुम्हें ना अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगा और तुम्हें डॉक्टर बनवाऊंगा, ऐसा बोलने लगा। तो फिर वो बोलने लगी, मतलब कि मैं सोची कि तू डॉक्टर तो मुस्लिम लड़कियाँ भी बनती हैं। लेकिन फिर ना वो लड़का भी वैसे ही बोला कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं बनाएंगे क्या, तो बोले बाबू बनाएंगे तो सही, लेकिन एक समस्या, तो बोले क्या, कि अगर मैं डॉक्टर बन भी गई तो भी मुझे बुरका मेरे छूटेगा नहीं, क्यों शरीयत के हिसाब से चीज़ तो छूटना ही नहीं है मेरे जीवन भर, और मुझे चाहिए कि मैं वो जो वाइट कपड़ा पहनती है ना जो डॉक्टरनियाँ, वैसे वाइट कपड़ा पहन के पीछे बाल बांध के कान में वो वाला लगा के जो स्टेथोस्कोप बोलते हैं शायद वो लगा के मैं लोगों की खिदमत करूँ, ये बुरके उरका पहन के ये सब चीज़ों से, मैं चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों से निकल के मैं एक ऊँचे उसमें जाऊँ, ऐसा बोल रही थी वो। तो मैं तो सिर पिट ली, हाय अल्लाह ये कैसे कैसे मतलब मुस्लिम लड़कियों के ख्वाब हैं कि वो लोग शरीयत से, हाँ शरीयत से ज़्यादा ये क्या, शरीयत से ज़्यादा ये दुनियावी चीज़ों को तवज्जो दे रही है। मैं तो वहीं पर ना मतलब मेरा तो दिमाग ही घूम गया। आप क्या तरीका बता रहे थे रोकने का, हेलो देखो, हाँ हाँ हाँ, तरीका क्या रोकने का, एक तो मैं दहेज रोकना हूँ, दूसरा मैं सभी लड़कों की अगल ठिकाने लाने, जो लड़के गलत सोचते हैं ना मुस्लिम समाज के इनके अगल ठिकाने लाने और इन्हें साथ लगाना, और जो परिवार अपने मतलब जो अपने बच्चे की बहू को दुखी रखते हैं ना ये रखते हैं, भी है बात। अरे यार मैं क्या बताऊँ, मेरे तो दिमाग ही घर मतलब चक्कर मिल पड़ जाता है। अब ना हमारे यहाँ मतलब बगल में हमारे मोहल्ले के बगल में एक घर है, क्या क्या हुआ, मैं आपको आपको एविडेंस सेंड करूँगा। अच्छा सुनो ना, एविडेंस सेंड करना, लेकिन मेरी एक बात सुनना, क्या हुआ बगल में हमारे ना घर के बगल में मोहल्ले के बगल में एक घर है, तो वो ना उसी मोहल्ले में नहीं रहते, दूसरा मोहल्ला है उनका, तो वहाँ की लड़की भाग गई, अब वो एक दो हफ्ते तक नहीं आई। अब लड़का जो था ना वो जैन था, हिंदू नहीं था, जैन था। अच्छा, तो अब एक बार ना ऐसी वो जा रही थी, मैंने उसको पहचान लिया, अब मैं उसको रोका, रुको रुको रुको, वो जा रहे थे ऐसे ही बाइक पे, तो मुझे देखी ना लड़की पहचान के, बोले रोको, तो बोली कि लड़का कौन है नाम क्या है, तो उसने बताया उसका नाम पार्थो जैन है, तो मैं समझ गई पार्थो तो हिंदू लेकिन जैन नाम तो जैन धर्म से आई है। तो बोले तुमने इसके साथ क्यों ऐसे शादी कर लिया, क्या तुम्हारे मतलब बहुत उसको ना मतलब बहुत डांटी कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है, क्यों तुम इस्लाम की शहजादी हो कि ऐसा कर रही हो। तो उसने पता क्या बोला, मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मन किया कि मैं उसमें धस जाऊँ।
लॉ वो क्या बोली पता है? उसने कहा कि कुरान में सूरह निसा की आयत 34 में लिखा हुआ है कि मर्द अपनी बीवी को जो उसकी बात ना माने यानी सरकश हो उसको पीट सकता है। तो वो बोली कि जिस मज़हब में ऐसा लिखा हो कि मर्द जो अपने खाब मतलब बीवी को मार सकता है तो मुझे उस मज़हब में ही नहीं रहना, ऐसा बोलती। तो मैं बोली अरे पगली उसमें ऐसा थोड़ी ना लिखा हुआ, वो तो बस थोड़ा सा टच करने की बात कही है अल्लाह पाक ने, हड्डी वड्डी तोड़ने की बात थोड़ी ना कही। तो उसमें वो बोलने लगा अरे ऐसा कैसे बोल दिया, क्या है ना मैं पढ़ी हूँ उसका तफसीर भी निकाली, उसमें लिखा हुआ है कि जब तक कि मतलब कि हड्डी ना टूटे और खून ना आए ऐसा मारो, कि मारो ऐसा कि हड्डी ना टूटे और खून ना आए, बाकी जितना मारना है मार सकते हो। फिर मैं बोली ये लड़की तो पूरी तरह से शैतान के वश में हो गई है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर मैं तो अपना और जो मैंने प्लानिंग की है मैं चैट से ही समझा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस आपके जो प्लानिंग है ना उसमें काम करूँगी और इंशाल्लाह हम लोग मिल के ना इस चीज़ को ख़त्म करेंगे और इंसानों को इंसानियत की ओर से हटा कर के इस्लाम की ओर ले आएंगे बेशक। यार मैं ये सोच रहा था बताओ क्या। हाँ बताओ। जो ये इस्लामिक स्कूल है ना यहाँ हमारे यहाँ 3-4 स्कूल है लगभग देवबंद में, मुझे बस एक बार स्पीच बोलने का मौका मिल जाए। हाँ, एक बार। हाँ, और मैं ऐसी स्पीच बोलूंगा पूरे हिंदुस्तान में घूम जाएगी। अच्छा आपके वहाँ पर कोई ऐसे लड़कियाँ भागी है कि नहीं भागी किसी गैर मुस्लिम के साथ? नहीं यहाँ बहुत कम है हमारे यहाँ, मतलब बहुत बहुत कम। एक का दुक्का भी नहीं भागी, मतलब शादी नहीं हो सकती, रिलेशनशिप है। अरे अरे यही तो गलत बात है, रिलेशनशिप है बाद में भाग जाती है तो भाग सकती है क्या? ये दुनिया में दीन की शुरुआत हमारे देवबंद से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है फिर मिलते हैं, आप एविडेंस दे देना और आप अपने काम में लगे रहना ठीक है। मैंने काम करूँगा कुछ तो, मेरे पास यूट्यूब के लिंक है। अच्छा अच्छा, और कुछ पिक्स है मैं पिक्स तुम्हें चलो कर दूंगा देख। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है अल्लाह। मैन दे दो या सारे ही? अच्छा जो आपको लगे जैसा मैं सारे ही दे दो, सारे ही देख लूंगा। हाँ जो आपको क्लू अच्छा लगे ना मतलब, हाँ वो आप सेव कर लेना। ठीक है ठीक है, और यूट्यूब में लाइक कर लेना फिर तुम्हारी लाइक वीडियो में आ जाएगी। अच्छा आप यूट्यूब पे हो? नहीं यूट्यूब पे मैं नहीं हूँ, एक लड़की है वो अच्छा, जो अच्छा, काम कर रही है। अच्छा अच्छा, उसी का चैनल है मेरे पास। अच्छा, मैंने सब्सक्राइब कर रखा। अच्छा अच्छा, मतलब कि ठीक है, वो लड़की बुरका तो पहनती है ना, मतलब माशाल्लाह ईमान से तो है ना, फॉलो करती दिन को अपनी वीडियो नहीं घेर दी। अच्छा वो जो लड़कियों के साथ वो है ना इसी वीडियो के। अच्छा, अच्छा तुम देख लेना है। बस अल्लाह से ही मेरी ना दुआ होगी उस लड़की के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, हलाला मुतामिस आ जाए, नहीं तो वो उसका भी दिन से ईमान उठ जाएगा ना। बहुत मैंने देखा बहुत सी लड़कियां सोशल मीडिया से काम करती है, एक ये तुम्हारे इसमें फ्रेंड है आदिया कोलोग्राफी, फातिमा कोलोग्राफी, ये 4-5 लड़कियां हमारे साथ ही है। अरे बहुत सारी जो आलिमा है ना वो भी उनके साथ जब हलाला होता है ना तो वो भी इस्लाम को छोड़ देती हैं कि एक ऐसा मजहब है इनका। मैं क्या करूं क्या? सिद्रा खान है वो भी, मतलब मेरी बात हुई थी सिद्रा खान से, वो लड़की नहीं वो लड़का है। कौन? सिद्रा खान लड़का है? हाँ वो कॉल पे बात हुई मेरी। अच्छा हाँ, मैं भी उसको लड़की समझती थी, बाद में पता चला वो लड़का है। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है ठीक है।